नमो नमः। स्नातक द्वितीय वर्ष के संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में सम्मिलित अभिज्ञान शाकुंतलम के अग्रिम पाठ में आज आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रथम अंक के सप्तम श्लोक से आगे के कथानक का अध्ययन करेंगे। हमने अभी तक पढ़ा कि जो दुष्यंत राजा है वह वन में मृग का पीछा करते हुए अपने सारथी के साथ अपने रथ में आगे बढ़ता चला जाता है और जो है वह मृग ग्रीवाभंगाभिरामम मुहुरनुपतति स्यंदने बद्ध दृष्टि इत्यादि जो हमने श्लोक पढ़ा उसके अनुसार मृग के स्वाभाविक भागने का वर्णन जो कवि कालिदास ने बहुत सुंदर किया था उसका हमने अध्ययन किया था। उसके बाद हम आगे उस मृग के जो है वह मृग हमने पढ़ा था कि वह धरती पर कम और आकाश में अधिक दौड़ रहा है ऐसा राजा वर्णन करता है। उसके बाद जो है हम आगे देखते हैं कि सूत जो सारथी है वह कहता है कि हे राजा, यह जो भूमि है उद्घातनी भूमि रीति मया रश्मि संयमनाद रथस्य मंदी कृतो वेगः, यह चूँकि ऊँची नीची भूमि थी इसलिए मैंने थोड़ी जो है रश्मि संयमनाद रथस्य मंदी कृता वेगर, रश्मियों को मैंने जो लगाम थी उसको खींच लिया था इसलिए घोड़ों का वेग थोड़ा कम हो गया है, इसलिए मृग जो अब दूर चला गया है अब जो है समतल भूमि आ गई है इसलिए अभी आपके द्वारा दुष्प्राप्य नहीं रहेगा, अभी आपकी पकड़ में आ जाएगा। तो फिर राजा कहता है तो फिर तुम आप जो है निश्चित रूप से जो है अपनी लगाम को ढीली कर दो ताकि जो है यह हमारा रथ तेज चले और हम इस मृग का शिकार कर सकें। तब जो है सारथी कहता है जैसी आयुष्मान आज्ञा देते हैं ऐसा ही रथ के वेग को दिखाता हुआ मानव मंच पर जो है इस तरह से नाटक करता है। जब हम मंच का ही अध्ययन कर रहे हैं मंच पर ही इसकी कल्पना कर सकते हैं भी पढ़ते समय, तो वहीं पर जो है सारथी रथ का वेग बढ़ाने का नाटक करता है। रथ वेगम निरूप्य, रथ वेग बढ़ाता है। आयुष्मान पश्य पश्य, हे आयुष्मान अब आप देखिए क्या है। अब वर्णन करता है वह इसके आगे के जो है अब रथ का वेग कैसा है, जो है रथ के घोड़े किस तरह से चल रहे हैं अब जरा इसको इसके ऊपर यह वर्णन है इसको देखते हैं। मेरे साथ वाचन कर सकते हैं आप। मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्व काया निष्कंप चामर शिखा निवृतोर्ध्वकर्णा आत्मोद्धतैरपि रजोभिरलंघनीया धावन्त्यमी मृगजवाक्षमयेव रथ्याः। अन्वय देखें इसका। रश्मिषु मुक्तेषु, रश्मियों के मुक्त हो जाने पर अर्थात जो लगाम की जो रस्सियां हैं उनके ढीली छोड़ देने पर, निरायत पूर्व काया जिनका जो है अग्रभाग जो है पूर्णतया फैल गया है पूरा विस्तृत हो गया है, निरायत अर्थात विस्तृत हो गया है पूर्व काया यानी आगे का भाग जिनका, ऐसे कौन, ऐसे जो घोड़े हैं, यह तो अश्वों का विशेषण है। रश्मियों के मुक्त हो जाने पर निरायत पूर्व काया जिनका अग्रभाग विस्तृत हो गया है ऐसे, प्रथमा बहुवचन रश्मिषु मुक्तेषु में सप्तम विभक्ति बहुवचन है। तो यहाँ पर निरायत पूर्व काया कौन, अश्व। निष्कंप चामर शिखा जिनका कंपन से रहित है, चामर अर्थात चमर मृग जो हैं उनके बालों से, उनके चमर मृग के जो है उनके बालों से जो निर्मित जो एक तरह का आभूषण है, तो निष्कंप चामर जो है उनसे निष्कंप चामर शिखा जो बालों का जो आभूषण है वह उसकी जो शिखा है वह निष्कंप हो गई है, सीधी ठहर गई है। क्यों, अत्यधिक तेज चल रहे हैं तो हवा के वेग से क्या है बिल्कुल सीधी वह दिखाई दे रही है। तो ऐसे निष्कंप चामर शिखा अर्थात जिनके जो है मस्तक पर रहने वाली जो वो शोभार्थ जो कलंगी ही बांध दी जाती है घोड़े के एक, तो वह जो है तेज चलने के कारण अब कैसी है बिल्कुल सीधी है। तो निष्कंप चामर शिखा है जिनकी ऐसे, निवृतोर्ध्वकर्णा निश्चल है ऊपर उर्ध कान जिनके, निश्चल हो गए हैं और ऊपर की ओर है। निवृतौ ऊर्धौ च कर्णौ ये शाम ते, नीचे निश्चल हैं और ऊपर हैं
बिल्कुल स्थिर हैं और ऊपर की ओर हैं मुँह जिनका, ऐसे कान हैं जिनके आत्मोद्धतई अपने द्वारा उठाई गई, अपने द्वारा उड़ाई गई। तृतीय विभक्ति बहुवचन अपि भी रजो भी अपने द्वारा उड़ाई गई धूलियों के द्वारा भी। आत्मोद्धतई जो है रजो भी का विशेषण है, अर्थात वो इतने तेज दौड़ रहे हैं कि अपने द्वारा जो धूली उड़ाई गई है उनके द्वारा भी उनको लांघा नहीं जा सकता है। आत्मोद्धतई अपि रजो भी अलंगनीया अपने द्वारा उड़ाई गई धूल भी उनको लांग नहीं सकती है, धूल के उठने से पहले ही वो आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए आत्मोद्धतई रजो भी अलंगनीया यह जो है यहाँ पर चौथा विशेषण है। पहला विशेषण निरायत पूर्व काया, आगे का भाग जिन्होंने फैला दिया है। दूसरा निष्कंप चामर शिखा, तीसरा निवृतोर्धुकर्णा और चौथा आत्मोद्धतई रजो भी अलंगनीया, यह चौथा विशेषण है। ऐसे अमिरथ्या, ये रथ्या अर्थात रथ में जुते हुए कौन, अश्व, तो रथ्या यहाँ पर अश्वों के लिए आया है। तो जो मृग हैं ये घोड़े हैं वह तो मृग जवाक्षमया इव, मृग के वेग को अक्षमा सहन नहीं करने करते हुए, इव यानी तरह मानो, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो ये क्या कर रहे हैं, मृग के वेग को सहन नहीं कर रहे हैं कि एक मृग हम तेज दौड़ने वाले घोड़ों से आगे निकल गया, ऐसा मानो अपमानित होकर के इसको सहन नहीं करते हुए से धावंती यानी तेज दौड़ रहे हैं, दौड़ते हैं। धावंती क्रिया है, रथ्या करता है, रथ्या धावंती घोड़े दौड़ते हैं, यह मुख्य वाक्य है। पूर्व के जो सारे रथ्या घोड़ों के विशेषण हैं, और मृग जवाक्षम या मृग का जव यानी वेग उसको अक्षमा, क्षमा का मतलब होता है सहन करना और अक्षमा का मतलब होता है सहन नहीं करना, तो मृग के वेग को सहन नहीं करने से करते हुए मानो यह दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इसकी व्याख्या देखें, रश्मिषु प्रग्रहेशु मुक्तेशु शिथिलीकृतेशु, वही सप्तम भक्ति बहुवचन शिथिल कर देने पर, निरायत पूर्व काया सुविस्तृत शरीराग्र भागा, निरायत अर्थात विस्तृत कर दिया है शरीर का अग्रभाग जिनके द्वारा, तो ऐसे निष्कंप चामर शिखा, निष्कंप निश्चल चमर मृग पुच्छ निर्मित भूषणाग्र भागा अर्थात निष्कंप चामर शिखा, निवृतोर्धुकर्णा निश्चलौ ऊर्ध्वौ कर्णौ येषां ते, निवृतोर्धुकर्णा निश्चल हैं ऊर्ध्वकान जिनके, आत्मोद्धतई स्वखुराद उत्थापितैरपि, आत्मोद्धतई स्वखुराद उत्थापितैरपि रजो भी धूलि भी, वही विभक्ति तृतीय विभक्ति बहुवचन, अलंगनीया अनतिक्रमणीया अमि पुरा दृश्यमानः सामने दिखाई देते हुए रथ्याः अश्वाः मृगजवाक्षमया इव मृगवेगा असहिष्णुतया इव धावन्ति वेगेन गच्छन्ति। यहाँ पर घोड़ों के एक तरह से स्वाभाविक चेष्टा का वर्णन है तेज दौड़ने का, तो स्वभावोक्ति अलंकार है और छंद जो है वसंत तिल का है। और अलंकार देखें तो जो है यहाँ पर शब्द वृत्ति अनुप्रास भी अलंकार है, और मृग जवाक्षमयायु जैसा मैंने पहले बताया था इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, और छंद जो आपको बता ही चुका हूँ मैं वसंत तिल का छंद है जिसका लक्षण है उक्ता वसंत तिल का तब जा जगाऊगा, तो इस तरह से 14 वर्णों का छंद होता है। इसके बाद आगे हम देखते हैं तो राजा कहता है कि हाँ निश्चित रूप से आप कह रहे हो जैसा ये घोड़े बहुत तेज दौड़ रहे हैं सत्य है, अतित्य हरितो हरिश्च वर्तन्ते वाजिनः, निश्चित रूप से जो ये घोड़े हैं ये घोड़े कैसे हैं, हरित हरिश्च वर्तन्ते वाजिनः अर्थात जो घोड़े हैं वह वस्तुतः वह सूर्य के और इंद्र के अश्वों को भी अतिक्रमण कर रहे हैं, तथा ही क्योंकि इसका वर्णन करते हैं फिर आगे इसी समय कि कैसे हैं घोड़े, ये कैसे इस समय मुझे घोड़ों के दौड़ने से कैसा अनुभव हो रहा है, इसको राजा वर्णन करता है। यदा लोके सूक्ष्मम, वचन करेंगे आप, इसमें शिखरणी छंद है जिसमें कि रस और रुद्र पर यति होती है, रस रुद्र अर्थात 6 और 11 पर, यह आप पढ़ चुके हैं।
यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद्विपुलतां यदर्देविच्छिन्नं भवति कृतसन्धानमिव तत् प्रकृत्या यद्वक्रं तदपि समरेखं नयनयो न मे दूरे किञ्चित् क्षणमपि न पार्श्वे रथजवात्। अर्थात वह कहते हैं राजा सूत पश्चैनम व्यापाद्यमानम, देखो हे सारथी इस मारे जाते हुए को देखो। लेकिन उससे पहले राजा इसको वर्णन करता है रथ का कि अन्वय को देखें, रथ जवात अर्थात रथ के वेग के कारण यत आलोके सूक्ष्मम, रथ जवात अर्थात रथ के वेग से यत यानी जो आलोके अर्थात दिखाई देने में सूक्ष्म है, क्योंकि दूर से रथ आ रहा है। हम इसकी तुलना एक तरह से ऐसे कर सकते हैं जैसे हम किसी कार में या बस में बैठे हुए हैं या ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो मानो हम चलते हुए जिस तरह से बाहर खिड़की में से दृश्य देखते हैं उस वैसा ही दृश्य राजा इस समय देख रहा है अत्यधिक तेज चलने से रथ के कारण। तो रथ जवात अर्थात रथ के जव यानी वेग के कारण से यत यानी जो आलोक अर्थात दृष्टि में सूक्ष्म यानी छोटा है तत् सहसा विपुलताम या वृजति यानी प्राप्त हो जाता है, क्रिया है सहसा यानी अचानक, अर्थात जो छोटा है वह अचानक बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि रथ तेज चल रहा है अर्थात जो ही वह रथ दूर कोई छोटी चीज होती है रथ तेज चलने के कारण जल्दी से वह निकट आ जाती है तो क्या हो जाती है बड़ी हो जाती है। यत अर्धे तो रथ जवात यत आलोके जो वस्तु आलोक अर्थात देखने में सप्तमी व्यक्ति एक वचन सूक्ष्म होती है तत् यानी वही सहसा यानी अचानक विपुलताम अर्थात विपुलता को प्राप्त हो जाती है वृजति यानी चली जाती है। यत यानी जो अर्धे विच्छिन्नम जो अर्धे विच्छिन्नम अर्थात आधे टुकड़ों में विभक्त कोई चीज है तत् कृत संधानमिव भवती वह कैसी हो जाती है वह मानो जोड़ दी गई है। जो टूटी हुई चीज़ है वह वेग के कारण ऐसी जल्दी निकलती है आगे से कि मानो जोड़ी हुई है। तो यत अर्धे विच्छिन्नम तत्कृत संधानमिव भवति यत अर्धे विच्छिन्नम तत्कृत संधानमिव भवति यत प्रकृत्या वक्रम जो प्रकृति से ही क्या है टेढ़ा है जो प्रकृति से ही टेढ़ा है तदपि वह भी नयनयोः नयनों के लिए समरेखम सीधा हो जाता है। टेढ़ी वस्तु भी क्या है रथ के तेज चलने से बिल्कुल सीधी दिखाई दे रही है। क्षणमपि किंचित क्षणमपि यानी क्षण भर के लिए भी किंचित यानी कुछ भी न मे दूरे न तो मेरे कोई वस्तु दूर है क्योंकि कोई जो दूर है वह पास हो जाती है और न पार्श्वे नहीं पास में अर्थ क्यों क्योंकि जो पास में है वह दूर हो जाती है। इसलिए क्षण भर के लिए भी किंचित यानी कुछ भी न मे दूरे मेरे लिए दूर नहीं है मैं षष्ठी भक्ति एक वचन मम के विकल्प में बनता है दूर यानी दूर है न पार्श्वे नहीं कोई मेरे वस्तु पास है। क्यों दूर इसलिए नहीं कि वह पास जाती है कोई वस्तु और पास कोई भी इसलिए नहीं है वस्तु क्योंकि वह जो ही पास आती है थोड़ी देर में एक क्षण में भी वह दूर चली जाती है क्योंकि रथ आगे बढ़ जाता है। तो रथ के वेग से जो दिखने में सूक्ष्म है वह छोटा बड़ा हो रहा है जो आधा टूटा हुआ है वह मिल रहा है और जो प्रकृति से टेढ़ा है वह भी नयनों के लिए सीधा हो रहा है और क्षण भर के लिए कुछ भी वस्तु मेरे लिए दूर नहीं है और नहीं पास स्थित रहती है तिष्ठत यानी रहती है। ये हम हमारी तरफ से जोड़ सकते हैं अन्वय की संगति बिठाने के लिए। तो इसके बाद हम इसकी व्याख्या पर विचार करते हैं जैसा कि हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार हमारे व्याख्या आती है प्रश्न पत्र में। तो रथ जवात रथ वेगात वही पंचम व्यक्ति एक वचन में आपको रूप रखना है यत यत वस्तु आलोके दर्शने सूक्ष्मम लघु नपुंसक लिंग एक वचन तत् तदेव वस्तु सहसा अकस्मादेव विपुलताम विशालताम विस्तीर्णताम वा वृजति गच्छति याति वा क्रिया की क्रियापद की जगह क्रियापद रखें यत यत वस्तु अर्धभागे विच्छिन्नम विभक्तम त्रुटितम वा तत् तदेव वस्तु कृत्संधानम मिलितमिव अविभक्तमिव इव यथा भवति दृश्यते जायते वा
यत् वस्तु प्रकृत्या स्वभावेन वक्रम कुटिलम तत् तदेव वस्तु अपि नयनयो नेत्रयो समरेखम सरलम रिजुवा भवति जायते। अर्थात जो वस्तु प्रकृति से ही टेढ़ी है वह भी तेज वेग के कारण सीधी दिखाई देती है। क्षणमपि क्षणमात्रमपि किंचित किमपि वस्तु न मे न नहीं मैं दुष्यंतस्य दूरे दूर स्थिते न पार्श्वे न सन्निकटे नापि मम समीपे तिष्ठति विद्यते। अर्थात रथ के वेग के कारण जो वस्तु सूक्ष्म है वह बड़ी हो जाती है, जो टूटी हुई है वह मिली हुई दिखती है, जो टेढ़ी है वह सीधी दिखती है। क्षण भर के लिए मेरे कोई भी वस्तु न तो पास है न ही दूर है। इतना अच्छा रथ के वेग के चलने का वर्णन यहाँ किया गया है, जो कि एक स्वाभाविक वर्णन है रथ के तेज वेग से चलने का। अतः यहाँ भी पूर्व के श्लोकों की तरह हमारे हमको यहाँ पर वही स्वभावोक्ति अलंकार है स्पष्ट। तथा और अलंकारों के बारे में विचार करें तो यहाँ पर जो है मानो जोड़ा हुआ सा कृत संधानम इव, तो यहाँ पर भी हमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि इसी कल्पना की गई कि मानो जोड़ा हुआ है, बल्कि जोड़ा हुआ है नहीं। तो साथ में जो सूक्ष्म वह बड़ी दिखाई देती तो विरोधाभास अलंकार भी है। और छंद जैसा कि मैंने आपको बताया, छंद यहाँ पर शिखरणी छंद है। और राजा ने एक रथ के वेग से चलने का बहुत सुंदर वर्णन किया है। छात्रों आपको आशा है इस पाठ में आनंद आ रहा होगा, आप अन्वय के साथ व्याख्या का अभ्यास करें, व्याख्या को रटे नहीं, सरल स्वाभाविक जो आपको आता हो उसी विभक्ति वचन में उस शब्द का पर्यायवाची रख करके व्याख्या संस्कृत में करने का अभ्यास करें। पहले समझें पद्य को अच्छे से, वाचन करें, आप निश्चित रूप से पाएंगे कि ये पाठ जो है आपके लिए लाभदायक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।